का पड़ोसी देश श्रीलंका इस वक्त एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बड़े आर्थिक संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका में इस वक्त ना तो बिजली उपलब्ध है और ना ही ईंधन। श्रीलंका की जनता अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कुप्रबंधन को मान रही है। देश भर में राजपक्षे का विरोध हो रहा है और कल 31 मार्च की रात को ये विरोध अपने चरम पर तब पहुंच गया जब श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 5000 से ज्यादा लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति के घर पर चढ़ाई करने की भी कोशिश की, जिस दौरान भीड़ और पुलिस में झड़प हो गई। लंबे संघर्ष के बाद पुलिस ने 45 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना के दौरान कई लोगों को चोटों का सामना करना पड़ा, वहीं एक व्यक्ति को गंभीर चोटें भी आई हैं। पर श्रीलंका में ये भयानक आर्थिक संकट आया कैसे? तो बता दें कि कोविड-19 महामारी के आने से ही श्रीलंका में आर्थिक संकट की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि श्रीलंका का अधिकतम आय उसके पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर है। ऐसे में कोविड की वजह से देश की आय रुक गई। वहीं एक कारण यह भी है कि श्रीलंका द्वारा लगातार कर्ज लेने के चलते देश में दिवाला की स्थिति ने भी जन्म ले लिया। फिलहाल श्रीलंका में ये आलम है कि वहां डीजल की कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। वहां की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 31 मार्च गुरुवार को श्रीलंका के किसी भी पेट्रोल पंप पर डीजल उपलब्ध नहीं था। ऐसे में वहां की सरकारी बिजली कंपनी ने ये बयान जारी किया कि वो गुरुवार से 13 घंटों का पावर कट करने जा रही है, क्योंकि उसके पास जनरेटर्स के लिए डीजल नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका के इतिहास में इतना लंबा पावर कट कभी नहीं हुआ है। वहीं श्रीलंका का सार्वजनिक परिवहन लगभग ठप हो चुका है, क्योंकि यहां बसों और कमर्शियल वाहनों में मुख्य ईंधन के तौर पर डीजल का इस्तेमाल होता है, जो देश में नहीं है। इस स्थिति में श्रीलंका के परिवहन मंत्री अमुन गुमा का एक बयान वहां डीजल की कमी को बयान कर रहा है। दिलम ने कहा कि हम गैराज में ठीक होने के लिए खड़ी बसों से तेल निकालकर उन बसों में इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज सड़क पर चल रही हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट और यातायात ठप होने की वजह से कई सरकारी अस्पतालों ने सर्जरी जैसा अहम उपचार भी रोक दिया है, क्योंकि उनके पास न दवाएं मौजूद हैं और न ही बिजली। फिलहाल इस चुनौती से निपटने के लिए श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने बेलआउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मांग की है। इसके अलावा श्रीलंका की निगाहें भारत और चीन की तरफ भी बनी हुई हैं, और वो भारत और चीन से कर्ज लेने की कवायद में जुटे हुए हैं। जनज्वार, जनता की मीडिया।